बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह हम इस छोटी सी वीडियो में ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास एक्सेल में काम करते हुए एक ही सेल के अंदर टेक्स्ट और नंबर दोनों इकट्ठे एक ही सेल में लिखे हों तो हमने सेपरेट कैसे करना है। तो ये बिल्कुल इजी है। हम किसी भी VBA के बगैर, किसी भी जो है अंदर फाइल को एक्सेल में ऐड किए बगैर विद इन 1 सेकेंड ये कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान है। हमारे पास ये एक ही सेल के अंदर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है और साथ में नंबर भी लिखे हुए हैं। तो हमने क्या करना है, हमने उसके सामने जो है एक न्यू हमने एक हेल्पर कॉलम लेना है। उसके अंदर हमने लिखा, इसमें से टेक्स्ट अगर निकालना है तो टेक्स्ट, अगर हमने नंबर निकालने हैं तो नंबर लिखने हैं। मैंने अगर नंबर निकालने हैं तो मैंने नंबर लिखा यहाँ पर 15। उसके बाद मैंने नीचे तमाम सेल को सिलेक्ट किया। उसके बाद हमारे पास होम यहाँ पर डाटा में जाना है। डाटा में जाने के बाद फ्लैश फिल की ऑप्शन है, हमने फ्लैश फिल किया तो देखें तमाम नीचे वाली सिलेक्शन वाले सेल का उसने जो है सेपरेट कर दिए हैं नंबर को और टेक्स्ट को। अब इसी तरह अगर हमने यहाँ से टेक्स्ट निकालना है, नंबर नहीं हम चाहते, तो हमने पहले वाले सेल को केयर फिल करना है, उसके बाद तमाम नीचे वाली सिलेक्शन करनी है और फ्लैश फिल कर देना है। ये देखें उसने तमाम में से जो है वो निकाल के हमें बता दिया है। अब अगर हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट सा जो है टेक्स्ट सेल में लिखा हो जिसमें टेक्स्ट और नंबर मिलजुल के लिखे हों तो हमने उस पर कैसे काम करना है वो ये देखिए। मेरे पास ये टेक्स्ट और नंबर दोनों इकट्ठे लिखे हुए हैं लेकिन वो थोड़े उलझे हुए हैं। उसमें एक टेक्स्ट है, फिर नंबर है, फिर टेक्स्ट है। तो हमने इस तरह की जो है कंडीशन में भी बिल्कुल परेशान नहीं होना। हमने पहले वाले सेल को ही लिखना है और उसे हमने केयरफुली लिखना है कि अगर हमारे पास कैपिटल में लिखा हुआ है तो हमने कैपिटल वर्ड यूज़ करना है, अगर स्मॉल जो है लेटर में लिखा हुआ है तो हमने स्मॉल लेटर यूज़ करना है। हम यहाँ पे पहले वाले में ये देखते हैं 03H0I3। तो हमने अगर टेक्स्ट लिखना है तो हम HI लिखेंगे, अगर हमने नंबर लिखना है तो 0303 लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है तो मैं यहाँ पे HI ये लिखा। उसके बाद मैंने तमाम नीचे वाले सेल को कॉपी किया, सेलेक्ट किया, फ्लैश फिल किया। तो ये देखें यहाँ पर लिखा गया Hi I'm Usman SKP, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो ये देखें उन्होंने इसमें से टेक्स्ट अलहदा कर दिया और नंबर सारे उन्होंने उसे जो है फ़िल्टर लगा के अलहदा कर दिया है। तो है ना बिल्कुल आसान सा तरीका। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। अगर कोई आपने नई चीज़ समझनी है, कोई आपको समझ नहीं आती एक्सेल में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।